बीजेपी बैठक का पहला फेज खत्म हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में रीता बहुगुणा जोशी शामिल हुई हैं। प्रतिभा शुक्ला बैठक में शामिल हुई। महिला विकास कल्याण मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला। सिद्धार्थनाथ सिंह बैठक से बाहर निकले। बीजेपी बैठक का पहला फेज खत्म हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बता दें बैठक में रीता बहुगुणा जोशी शामिल हुई। वहीं प्रतिभा शुक्ला बैठक में शामिल हुई। प्रतिभा शुक्ला महिला विकास कल्याण मंत्री हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह बैठक से बाहर निकले जी के साथ और संगठन महामंत्री जी के साथ और अन्य पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ आज बैठक हुई और इसमें एक ही विषय है और विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पांचों की पांच सीटें जीतनी है और उसके लिए क्या एक वॉर फुटिंग पे वॉर की तरह तैयारी होनी है और हम लोग ये चुनाव जीतेंगे, इसी पे एक गंभीर चर्चा हुई। हम लोगों को अभी जाके ये पूरी प्लानिंग करनी है और मैं इतना ही कह सकता हूँ जो एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है चुनाव का वो पूरा माइक्रो मैनेजमेंट किया जाए वैज्ञानिक रूप से और बहुत ही एक संवैधानिक रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें लोग ज्यादा ध्यान देंगे, शिक्षकों के मुद्दे पर बात होगी, उनके सम्मेलन किए जाएंगे और व्यक्तिगत बात सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी पार्टी इसमें बहुत सक्रियता से जुटेगी क्योंकि देखिए शिक्षक भी समाज का अंग है और शिक्षक कहीं ना कहीं सबसे जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सोच से इसमें पूरे देश और शिक्षकों का इसमें काफी संबद्धता है। तो हम लोग उनसे मिलेंगे और ये बात तो बिल्कुल आप पिछले चुनाव में भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें अच्छी दखल कर रही है और बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, बीजेपी एक अहम बैठक कर रही है जिसमें बैठक का पहला फेज खत्म हो चुका है। क्या कुछ मंथन हुई, क्या कुछ रणनीति बनाई गया, क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आज विधान परिषद की पांच सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने को लेकर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में अगर बात करें तो ये बैठक समाप्त हो गई है और बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, साथ ही साथ संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, वही इलाहाबाद की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्री रीता बहुगुणा जोशी समेत अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री जो संगठन मंत्री का दायित्व संभालना है धर्मपाल सिंह समेत अगर देखें तो महिला बाल विकास कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला समेत जेपीएस राठौर समेत तमाम दिग्गज नेता सम्मिलित रहे। इस बैठक का साफ तौर से उद्देश्य ये था नंदनी मयूरी कि भारतीय जनता पार्टी को जो 30 जनवरी को विधान परिषद की पांच सीटों पर चुनाव होना है उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना। अगर बात की जाए तो पर स्नातक 3 सीट और दो शिक्षक सीट पर मतदान होना है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय संगठन के तमाम पदाधिकारी हैं वो पूरी दमखम लगाकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए लगातार तत्पर है। अगर बात की जाए तो फिलहाल में अगर देखें तो 5 सीटों पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो भी तैयार की जा रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती वाला होगा क्योंकि देखें तो विधान परिषद के अंदर में समाजवादी पार्टी के पास महज 9 सीटें हैं और विपक्ष का दायित्व संभालने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें 1 सीटें जीतनी होगी, 10 पर वो विपक्ष बन सकेंगे। वही बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब बैठक खत्म करके निकलते हैं तो उनका कहना है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक जाकर और सरकार की और केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचा रहे हैं, साथ ही चुनाव को जीतने के लिए हर एक भरसक प्रयास कर। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारा आत्म जो
मंथन है उसके मुताबिक हम पांचों सीटों पर भारी मतों के साथ जीत रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो महज चुनावी पुलिंदा दे रहेंगे और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और रहेगा। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। बीजेपी की बैठक खत्म हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। विधान परिषद की पांचों सीटों पर भारी मतों के साथ जीतेगी भाजपा। पार्टी का जनाधार को बढ़ाने में लगे हैं क्षेत्रीय संगठन के तमाम पदाधिकारी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।